दोस्तों आज हम बनाएंगे केक और इस केक को बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनेगा। नमस्कार, मैं हूँ रचना और स्वागत है आपका मेरे चैनल छटपटे में। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और लेकिन केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में नमक को गर्म करने के लिए रख दिया है और ये नमक मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ बेक करने के लिए, तो इसे मैं एक बार फिर रीयूज़ कर रही हूँ। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे करके और ढक देंगे। यहाँ मैंने कुछ बिस्किट लिया हुआ है और मैंने सारे बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर के लिए हुए हैं, तो आप भी इसी फ्लेवर के बिस्किट लें। अब एक ग्राइंडिंग जार में हम सारे बिस्किट को खोल खोल कर डाल देंगे जार में। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी ग्लास दूध लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं आधा ग्लास और दूध ऐड करूँगी, जो हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बहुत ही थिक या बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए, पोरिंग होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। ये हमने इसे एक फाइन पेस्ट बना लिया है इसका। अब मैं यहाँ पतीला ले रही हूँ, ये पतीला आप कोई भी पतीला ले सकते हैं। इसे हमें ग्रीस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चम्मच घी डाल रही हूँ और इस घी को हम उंगलियों की मदद से चारों तरफ मिला लेंगे। इसे इस तरीके से हम फैला लेंगे और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच मैदा। तो घी और मैदा से ग्रीस करने से ये होगा कि जो हमारा केक है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा और केक टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से डैब डैब कर करके और आप सारे मैदे को पतीले के चारों तरफ फैला दें। अब जो हमारा बैटर है इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से जो हमारा बैटर है वो पतीले में आ जा रहा है, तो आपकी भी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। अब इसे हम एक बार डैप कर लेंगे। तब तक हम चेक करते हैं नमक अपना। और नमक से अच्छी खासी हीट निकल रही है, इसका मतलब कि नमक गर्म हो चुका है। और इसमें हम इस तरीके का एक प्लेट ऊपर रख देंगे ताकि जो हीट है वो डायरेक्टली पतीले में ना पड़े इसलिए। और जो हमारा केक का बैटर है पतीले में वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम ढक देंगे। और ढक कर फिर आपको जो करना हो, आप बहुत ही फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। इसे पकने में अभी 40 मिनट लगेगा। 40 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे, इसे हम चेक करेंगे कि केक पका है या नहीं पका है। तो मैं एक ऐसे चाकू ले रही हूँ, इसे हम अंदर डालेंगे। ये देखिए अभी भी केक नहीं पका हुआ है। केक बनाते वक्त फ्लेम हमारा एकदम लो रहेगा। इसे हम 20 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो इसे हम एक नाइफ़ की मदद से चेक करते हैं। ये देखिए चाकू एकदम क्लीन बाहर निकला है, इसका मतलब केक हो चुका है। और अब हम गैस को कर देंगे बंद। और पतीले को निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर और इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, क्योंकि अगर गर्मा गर्म हम केक बाहर निकालेंगे तो केक हमारा फट सकता है। इसलिए हम इसे 5 मिनट के बाद एक प्लेट में निकालेंगे।
उसके पहले मैं इसे इसके एजेस को चाकू की मदद से थोड़ा हल्का कर ले रही हूँ और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बड़े ही आसानी से निकल आएगा। ये देखिए केक बहुत ही अच्छा फूल चुका है और केक दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब इसे हम सजाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट सिरप। ये सिरप मैंने लिया है हर्षे का। आप कोई भी कंपनी का सिरप यूज़ कर सकते हो और आपके दिमाग में जो भी आइडिया हो उस तरीके से आप चॉकलेट सिरप को इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी डिज़ाइन ऐसे ही कर लेती हूँ। इससे केक को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा और इसका जो लुक है वो भी काफ़ी बेहतरीन होगा। तो हमारा केक बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है फिर भी आप केक बनाकर खा सकते हो। धन्यवाद।